अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक स्पेशल वीडियो जो है, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल है और पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। तो इस टॉपिक में हम स्केलेटन की बात करते हैं। काफ़ी बार स्टूडेंट्स इस टॉपिक से जो है हिचकिचाहट महसूस करते हैं याद करने में, लेकिन सिंपल से फार्मूलों की मदद से टॉपिक को मैंने अरेंज किया है तो आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन की, इंसानी ढांचा। हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियों का फ्रेमवर्क है उसको हम ढांचा कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 300 हड्डियां होती हैं जब एक बच्चा पैदा होता है। जब वो बड़ा होता है तो हड्डियां आपस में फ्यूज अप हो जाती हैं, जिसके बाद जो हड्डियों की तादाद बचती है वो है कितना, 206। अब 206 टोटल हड्डियां हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक में 80 हड्डियां, दूसरे में 126 हड्डियां, दोनों आपस में मिलेंगी तब 206 हड्डियां बनेगी। तो ये वाला हिस्सा एक्सियल स्केलेटन, ये वाला हिस्सा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डियां, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां। सबसे पहले डायग्राम की बात करें, उसके बाद हम थ्योरी पे जाएंगे। आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है स्केलेटन है। ये वाला जो ये वाला पोर्शन है, ये मतलब पेक्टोरल गर्डल और ये जो बाजू हैं, इसके साथ साथ ये जो टांगे और पेल्विक गर्डल, ये आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। बाकी स्कल, उसके बाद ये जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद रिब्स, ये सारे के सारे जो हैं वो किस में आती हैं, एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। तो सबसे पहले बात करें तो आप देख सकते हैं ये स्कल है, इसकी पीछे पिछली साइड बैठी होती है, उसको हम पैरेटल बोन कहते हैं, फ्रंटल बोन कहते हैं। ये स्कल है, इसको हम स्पिनाइड बोन कहते हैं। नर्व वाली हड्डी को हम नेजल बोन कहते हैं। ये वाली हड्डी को हम, ये जो है, इसको हम मैंडिबल कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे होती है उसको हम मैक्सिला कहते हैं, यहाँ पे होती है उसको हम जो है ऑक्सीपिटल कहते हैं। ये वाली टेम्पोरल बोन कहलाती है। आंख में जो है एथमॉइड होती है, इसी आंख के अंदर यहाँ पर जो है उसको हम कहते हैं लैक्रिमल। तो सारी की सारी हड्डियां हैं, क्या आप नाम याद करने हैं, स्पीड से टॉपिक पढ़ाएंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो आप देख सकते हैं उसके बाद आप यहां पे आएंगे क्लेविकल, उसके बाद ये जो है स्टर्नम, उसके बाद रिब्स, उसके बाद जो है यहां पे आप देख सकते हैं इसको आप पेल्विक कहते हैं या पेल्विस कहते हैं। उसके बाद ये वाली हड्डी को हम इलियम कहते हैं, यहाँ पे जो है उसको हम कोकेट्स कहते हैं या टेल बोन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ये वाली हड्डी सैक्रम कहलाती है, ये वाली प्यूबस कहलाती है। अब इसके साथ साथ ये वाली जगह जो है इसको हम स्कैपुला कहते हैं, ऊपर वाली क्लेविकल, नीचे स्कैपुला, उसके बाद बाजू वाली हड्डी ह्यूमरस, उसके बाद जो है ये आपको जो नजर आ रहा है इसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। यहाँ पे हड्डियां होती हैं रेडियस और अल्ना, उसके बाद जो है कार्पल्स, मेटा कार्पल्स, फैलेंजेस। उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये वाली हड्डी की सबसे बड़ी हड्डी है इसको हम फीमर बोन कहते हैं, ये टिबिया, ये फेब्यूला, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है टार्सल्स, उसके बाद मेटाटार्सल्स, उसके बाद फैलेंजेस। ये सारी हड्डियां आपके सामने हैं, अब हम पढ़ते आएंगे बताते आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की, इसको चार हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, स्कल, वर्टिब्रा, उसके बाद रिब्स, रिब्स के बाद लास्ट में आती है आपके पास स्टर्नम। स्टर्नम, अब ये जो स्कल है 22 होती है, वर्टिब्रा 33 होती है, रिब्स 24 होती हैं, स्टर्नम की तादाद जो है वो 1 होती है। इनको टोटल करें तो 88 हड्डियां बनती हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्कल की, तो आप देख सकते हैं स्कल के पास टोटल 22, इसमें क्रैनियल और फिशियल। क्रैनियल जो है आपके सर की हड्डियां हैं, उसके बाद फिशियल चेहरे की हड्डियां होती हैं। अब हम बात करते हैं क्रैनियल की, यहां पे 8 हड्डियां होती हैं। इसको याद करने के लिए सिंपल सा फार्मूला मैंने बनाया है, सबसे पहले अनपेयर्ड, उसके बाद पेयर्ड। अनपेयर्ड की तादाद जो है वो होती है आपके पास, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4 होंगी क्या अनपेयर्ड। इनको याद करने के लिए SOFE, सोफ या सूफी आप कह सकते हैं, फार्मूला है S से स्फिनाइड, O से ऑक्सीपिटल, F से फ्रंटल, E से एथमाइड। यह भी आपको वहां पे दिखाई हुई आप देख सकते हैं। अब इसके बाद पेयर की बात की जाए, ये दोनों की शक्ल में होंगी, PT, पेराइटल टेम्पोरल। आप देखें
यहाँ पे आप कहेंगे दो हैं, दो नहीं है, दो ये और दो ये, क्योंकि पेयर्ड है, जुड़े हैं, चार और चार टोटल आठ। तो क्रेनियल की बात हो गई, उसके बाद बात करेंगे फिशियल बोन की। फिशियल बोन जो है कि टोटल तादाद होती है 14। 14 में पेयर्ड और अनपेयर्ड, पेयर्ड की तादाद जो है वो है 6। अब पी एम एल एन जी सी, अब पी से पैलेटिन, एम से मैक्सिला, एन से सॉरी एल से लैक्रिमल, एन से नेजल, जेड से जाइगोमैटिक, सी से कोंका। ये आपके पास 6 जो है जोड़ों, क्या क्या हो जोड़ों की सूरत में होंगी, तो 6 जोड़े 12 हो जाएंगी। बाकी दो बच्चे की वो अनपेयर्ड होती हैं, उनमें मैंडिबल और वोमल, इसका फार्मूला एमवी है। ये आप सिंपली इस तरह फार्मूले की मदद से आप लोग जो है आसानी से याद कर सकते हैं एडियो के नाम। उसके बाद हम बात करेंगे वर्टिब्रे की। वर्टिब्रे जो है वो 33 होती है। अब 33 जो है ये कहां से स्टार्ट होंगी, आपके स्कल से, यहां से स्टार्ट होंगी जो है, यहां से एंड तक जाती हैं, मतलब पहले गर्दन तक। उसके बाद इनका किरदार क्या है, बैकबोन को बनाती हैं, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करते हैं। इनको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, पेल्विक रीजन। अब जो आपके पास सर्वाइकल रीजन होगा, इसके पास टोटल 7 हड्डियां होंगी, इसको हम नेक रीजन भी कहते हैं। 7 में से पहली को हम एटलस कहते हैं और दूसरी को हम एक्सिस कहते हैं। एटलस और एक्सिस दोनों जो है मूवमेंट ऑफ हेड, हेड जो होता है सर की मूवमेंट के लिए जो है वो यही किरदार अदा करती हैं। अब उसके बाद थोरैसिक रीजन 12 हड्डियां हैं, इनको हम चेस्ट रीजन कहते हैं। लंबर रीजन के पास 5 होती हैं, इनको हम एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। पेल्विक रीजन में 9 होती हैं। अब 9 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। पहला है सैक्रम और कोकिक्स। ये आपके पास सैक्रम और कोकिक्स। अब ये जो सैक्रम है ये क्या करता है, 9 में से पहली 5 जो है आपस में मिलेगी तब सैक्रम बनेगा, आखिरी 4 जो मिलेगी वो क्या बनेगा, कोकिक्स बनेगा। ये आपके पास वर्टिब्रा है। उसके बाद हम बात करते हैं रिब्स की। थोड़ा स्पीड है माजरत के साथ, क्योंकि टाइम कम है और टॉपिक इतना ज्यादा है, लेक्चर लंबा ना हो जाए, इसी वजह से थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके सुन सकते हैं। बहरहाल आप देखिए जो रिब्स हैं उसमें 24 हड्डियां होती हैं। अब ये करती क्या है, 24 हड्डियां, पेयर की बात करेंगे तो 12। सपोर्ट देती हैं चेस्ट चैम्बर को, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जैसे हमारे दिल, फेफड़े, गुर्दे, अहम ऑर्गन है, उनकी हिफाजत करती हैं। 10 पेयर जो है वो डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ। आखिरी दो जो दो पेयर होंगे, आप देखें एक ये वाला दूसरा ये वाला, ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते, इनको हम क्या नाम देते हैं, फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है व्हाट आर फ्लोटिंग रिब्स, तो आप क्या कहेंगे कि आखिरी दो जो पेयर हैं वो स्टर्नम के साथ जुड़े हुए नहीं होते, मतलब फ्लॉट कर रहे होते हैं, इसी वजह से उनका क्या नाम देते हैं, फ्लोटिंग रिब्स का नाम देते हैं। उसके बाद लास्ट में एक स्टर्नम जो है पिछली साइड पे बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम, सामने वाली साइड पे यहां पे जो है स्टर्नम मौजूद होती है, इसकी तादाद जो है वो क्या है, 1 है। अब आपके पास ये वाला स्केलेटन था, इसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो आप देखिए मान पर मान करके देखते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 हड्डियां होती हैं। इसमें पेक्टोरल गर्डल और फोर लिंब, मतलब ये जो आपके पास कंधा है और बाजू है, इनको हम क्या नाम देते हैं, पेक्टोरल गर्डल एंड फोर लिंब्स। अब इसमें क्या होगा, जो आपके पास पेक्टोरल गर्डल है, इसके पास स्कैपुला, सुप्रा स्कैपुला और क्लेविकल होती हैं। उसके बाद जो है बाजू की बात करते हैं, बाजू में सबसे पहली हड्डी जो है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। इसमें एक हड्डी होती है, ह्यूमरस जो है बार एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है स्कैपुला के साथ। ऊपर वाली साइड पे बार एंड सॉकेट जॉइंट आप देख सकते हैं, तमाम अतराफ में ये मूव कर सकता है, बार एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। लेकिन ये वाला हिस्सा जो है इसका फीमर बोन का, तो रेडियस और अल्ना के साथ जो है क्या बनाता है, हिंज जॉइंट बनाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं रेडियस और अल्ना, दो तादाद होती है, आप देख सकते हैं ये अल्ना है, रेडियस है। उसके बाद कार्पल्स, यहाँ पे जो है जिसको आप क्लाई कहते हैं, यहाँ पे 8 हड्डियां होती हैं, उनका हम कार्पल्स कहते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपके हथेली को बनाती हैं, उनको हम मेटाकार्पल्स कहते हैं, उनकी तादाद 5 होती है। उसके बाद जो है फेलेंजेस, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, इसमें 2 होती हैं, 14, 5 लाइन में 14 हड्डियां होती हैं, वो क्या करती हैं, फेलेंजेस
में पाई जाती हैं और फिंगर्स मतलब कि उंगलियों को जो है सपोर्ट देती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिंब। अब पेल्विक गर्डल जो है वो कूल्हे को कहा जाता है इसको, इसमें इसको हम क्या कहते हैं, कूल्हे को पेल्विक गर्डल कहते हैं। अब क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ टू कोक्सल बोन, इसके अंदर टू कोक्सल बोन होते हैं। उसके बाद जो है ईच इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, जो वहां है आप यहां पे देख सकते हैं, ये कोक्सल बोन है, ये भी कोक्सल बोन है, दो कोक्सल बोन है, तो ये तीन हड्डियों के आपस में मिलने से बनती हैं। कौन कौन सी हड्डियां, इनको हम इलियम, उसके बाद इशियम, उसके बाद जो है प्यूबस, ये हड्डियां आपस में मिलती हैं, तब आपके पास जाकर क्या बनता है, कोक्सल बोन बनता है। कितनी तादाद होती है, दो तादाद होती है। उसके बाद हम बात करेंगे हाइंड लिंब की। हाइंड लिंब में सबसे पहले हड्डी ये वाली हड्डी होगी जिसको हम फीमर बोन कहते हैं। यहाँ पे फीमर बोन ज्वाइंट बना रही है, यहाँ पर भी ज्वाइंट बना रही है। आगे जाकर जो है किसके साथ बनाती है, टीबिया और फेब्यूला के साथ। उसके बाद जो है टीबिया और फेब्यूला की तादाद भी कितनी होगी, दो होगी, दो एक टांग में, दो दूसरी टांग में। उसके बाद जहां पर जो हाथ की कलाई थी उसमें कितनी हड्डियां थी, आठ थी, इनको हम कार्पस कहते थे। यहाँ पे सात होंगी, इनको हम टार्सल्स कहेंगे। वहां पे मेटाकार्पस था, पांच थी, यहाँ पे मेटाटार्सल्स होगा, पांच होंगी। वहां पे फेलेंजेस थी, यहाँ पर भी फेलेंजेस होगी। वहां पर तादाद चौदह थी, यहाँ पर भी तादाद कितनी होगी, चौदह थी। यहाँ पे ये चीजें आपके पास लिखी हुई है। ये आपके पास बिल्कुल आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग एज ए पेपर में लिखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो आई होप आप लोग जो है आप उनको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।